जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से जयनगर एफएफसी गोदाम में कार्यरत श्रमिकों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने व गोदाम को सैनिटाइज करने की मांग को लेकर शनिवार से अनाज लोड अनलोडिंग कर दिया है। श्रमिक संघ के अध्यक्ष प्रदीप पासवान, देवा मुखिया, राजा मुखिया एवं रामप्रीत मुखिया समेत अन्य श्रमिकों ने बताया कि विगत 4 दिन पहले जयनगर के एक गाँव का एक युवक दिल्ली से आया था। आने के बाद युवक ने बिना स्वास्थ्य की जांच किए ही घर के बदले एफसीआई गोदाम से अनाज लेकर एफएफसी गोदाम तक आने वाले ट्रक चालक के साठगांठ से ट्रक पर ही रात दिन रहता था। आप लोग धरना बैठे हैं तो क्या मामला है? अभी मामला ये है कि अभी हम लोग आए हैं काम करने के लिए, चावल की गाड़ी आई है और इससे पहले भी 5-7 दिन से जो है सो गाड़ी सब लगी हुई है। तो हम लोग तो लॉकडाउन में भी जो है सो लेबर सर्विस काम करने के लिए सरदार आते हैं। आने के बाद एक संगीत जो है सो ड्राइवर के साथ जो है सो उसको हमारे सर्विसों और हम लोगों के साथ उसको शक और उससे पूछताछ हुई और वो व्यक्ति जो है सो यही 10 रोज 12 रोज आया हुआ है दिल्ली से। नाम है उसका शहाबुद्दीन। इससे पहले भूतपूर्व पहले जो है ना वो ड्राइवर का भी काम करता था। जब यहाँ पूछताछ उससे किया गया तो कहा कि हम किसी गाड़ी पर नहीं है। बाद में मालूम हुआ है कि वो व्यक्ति को घर है दुर्गा स्थान और ससुराल इस्लामपुर में है, उसको उधर भी जाने नहीं देता। और यहाँ जयनगर की जो 4-5 लोकल ऑनर है वो भी बोले हैं कि हम लोगों से भी गाड़ी मांगने के लिए गया तो हम लोग भी गाड़ी उसको नहीं दिया। तो हम लोगों को अब इसमें बहुत डर घुस गया हुआ है कि वो व्यक्ति दिल्ली से आया हुआ है, हो सकता है कि उसके साथ अगर कोई किसी तरह का बीमारी हो या कोरोना की भी हो, हम लोग की डर हो लिया। तो जब तक सैनिटाइजर प्रशासन और प्रभारी और जयनगर की पदाधिकारी और जयनगर की सहायक प्रबंधक या जिला पदाधिकारी नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग किसी भी गाड़ी में काम करने से बाध्य रहेंगे। हम लोगों से अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द सैनिटाइजर अनुमंडल पदाधिकारी एवं हॉस्पिटल पदाधिकारी और प्रशासनीय जो जयनगर की है विचार रखते हुए देखते हुए इसकी पूर्ति किया जाए, यही हम लोग का अनुरोध है। अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान हुआ, मैं लेबर यूनियन का जिला प्रतिनिधि भी हूँ और सरदार भी हूँ। अब तक आप लोग किस पदाधिकारी की जानकारी दिए हैं इसके बारे में? अभी तक हम लोग मीडिया भाया भी जो है जो न्यूज दिए हैं और हमारे सहायक प्रबंधक जो विपिन बिहारी सिंह है उनको भी हम लोग फोन पे बुलाए कि सर इस तरह की बात है। उन्होंने भी कहा कि ठीक है जो जांच करवाएंगे हम भी तैयार हैं, जब शक की बात है तो हम भी तैयार हैं।